हम तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह दिन मुझे लगता है हर महिला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरक है, इसलिए क्योंकि हम अमूमन तो देखिए हर दिन सेलिब्रेट ही करते हैं, पर जो है स्पेशली फॉर वुमेन तो ये एक्सक्लूसिव हो जाता है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिवरात्रि के दिन, वुमेन्स डे के दिन हर महिला को इतनी बड़ी मुझे लगता है गिफ्ट दी है, क्योंकि महिला का सर्वप्रथम अधिकार जो है किचन पर होता है। और किचन में अब क्योंकि अब चूल्हे नहीं रहे और चूल्हे से मुक्ति दिलाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो गैस सिलेंडर पे ये 100 रुपए जो कम हुआ है हर महिला की जेब में मुझे लगता है बचत होगी। और यह बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है सेलिब्रेट होगा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि खाना सभी खाते हैं और अन्न के बिना किसी का भी जीवन यापन नहीं हो सकता। तो आज के दिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से, और पुनः सभी को वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ, शिवरात्रि की बधाई देती हूँ। हर हर महादेव। मुझे लगता है विपक्षी कोई अच्छे काम होते हुए भी जब देखते हैं तो क्योंकि वो विपक्ष में है इसलिए उनकी आदत सी बन गई है कि तंज कसना है उन्हें। और जब वो लोग थे सरकार में तब क्या क्या घोटाले हुए, उनकी फेहरिस्त जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार पार्लियामेंट में गिना चुके हैं। और देश आप लोग जैसे जो जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं उनसे वाकिफ है कि इस तरीके के घोटालेबाजों से, इस तरीके की तंजबाजी से लोग जनमानस बचे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भारतवर्ष को अपनी एक गति प्रदान कर रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपने बोल्ड डिसीशंस के माध्यम से, तो मुझे लगता है ये बहुत ही प्रगतिशील जो है भारतवर्ष बनता जा रहा है। और विपक्षियों को चिढ़ है कि कहीं उनका सूपड़ा ही ना साफ हो जाए। जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।